हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मौसम कितना सुहाना है और 2 दिन बचे हैं अपने IBW को, और मैं भी अपने IBW जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी में कुछ जो काम है वो करना है। तो ये रहा अपनी गाड़ी, बाइक BMW 310 GS, जैसा कि आपको पता है, ऑलमोस्ट रेडी है। और IBW लास्ट ईयर कर चुका हूँ, तो इस साल भी इंटरेस्ट है जाने का, और जाना भी चाहिए, हमारे लिए यही इवेंट होता है ना। तो आज हम करने वाले हैं अपने बाइक का टायर चेंज। मेरा एक वीडियो आना बाकी है जो मैंने रियर टायर चेंज किया था। तो मैंने रियर टायर चेंज किया है, देख रहे हैं ग्रिप, आप देख सकते हैं ग्रिप बहुत अच्छी लगी मुझे। एक्चुअली ये है मिडजलर, लगता है यहाँ पे मिडजलर का टायर, पर ये मिडजलर नहीं है, अपोलो का टायर है। तो इसका मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, अभी मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं है, अभी प्रोसेस में है। और आज हम करने वाले हैं फ्रंट टायर चेंज, क्योंकि फ्रंट टायर भी बहुत पुराना हो चुका है, मिल नहीं रहा है मुझे, और 2 दिन बाकी है। तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं जो मैं बताना चाहता था। तो ये रहा आपका जो स्टॉक टायर आते हैं मिडजलर के, जैसा कि आपको पता ही है मिडजलर के ये वाला ग्रिप आते हैं। ये है मिडजलर टोरेंस फ्रंट टायर 110 80 19 59H। तो ये जो टायर है 110 विड्थ है, और जो 80 का साइज है, और जो रिम है 90 का है। और मिडजलर मिल नहीं रहा है और कॉस्टली भी बहुत है, तो मुझे चेंज करना है, क्योंकि इसमें देखेंगे क्रैक देखेंगे, बहुत क्रैक है, क्रैक दिख रहे हैं, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये टायर मैं चेंज कर रहा हूँ, और लॉन्ग राइड पर जाने के लिए पहले सेफ्टी फर्स्ट है, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है टायर चेंज करना। तो मैं चेंज करने वाला हूँ नया टायर। जो नया टायर है वो थोड़ा चेंज है, जो है ये रहा, बहुत सुना है इसके बारे में और काफ़ी लोगों ने लगाया है इसका टायर, ये देखेंगे आप इसको। ये जो टायर है रेस टूर आर 30-1 110 19 57 P। तो ये ऑफ रोडिंग और ऑन रोड टायर है, मोस्टली रोड के लिए है, क्योंकि टूर आर है ये नाम, तो टूर है मतलब कि 80% टूर है और 20% 30% ऑलमोस्ट ऐसे हम ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसके ग्रिप देख के लगता है कि ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो टायर बहुत अच्छा है, सुना है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो रेस टूर आर साइज ये दिया हुआ है, और हम कंपेयर करते हैं इसको, तो बहुत अंतर नहीं है, आप देखेंगे 110 है और ये 100 है, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये आता है ऑलमोस्ट 14,000 का, और ये आया है मुझे 3,000 का ओनली। तो मैं एक बार, ये मेरा टेस्टिंग भी है एक टाइप से देखा जाए तो ये मैं लगाने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा साइज़ चेंज होगा, देखते हैं क्या परफॉर्म देता है रेस का, साइज़ का डिफरेंस आता है कि नहीं, तो साइज़ के वजह से कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं, देखते हैं चेंज करके। तो चलते हैं इसको चेंज करने के लिए, और बताएंगे, कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है ये टायर एज़ कम्पेयर टू मिडजलर। चलिए तो शॉप पे चलते हैं और चेंज करते हैं ये टायर। आज 6 दिसंबर है, और 8th और 9th को IBW है, तो मैं आ रहा हूँ IBW में। कल मॉर्निंग का प्लान है कि अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊँ यहाँ से, इंदौर से पुणे होते हुए या अहमदनगर होते हुए। तो मैं प्लान तो है डायरेक्ट जाने का, शायद स्टे करूँगा मैं, देखते हैं। तो चलते हैं टायर चेंज। Falling down in a rising now.
आती है रेज की ब्रांडिंग, यहाँ पे है साइज जो आपको बताया था रेज टूर R30, और ये रहा ग्रिप। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अपनी बाइक लेके और टायर मैं चेंज कर चुका हूँ, तो मैं दिखाता हूँ अपने टायर कैसे लग रहे हैं, आप बताइए। ये है फ्रंट टायर जो मैंने चेंज किया है, ये है मेरा पुराना एक्सेलर का, और ये रहा मेरा रेस का न्यू टायर। ये है डिफरेंस, देखेंगे इसको लगाने के बाद। पहले मैंने दिखाया था कि ये पहले लगा हुआ था, स्टॉक था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 mm का है, और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसकी हाइट भी सही है, जो है वो पूरा इतना अच्छा ज़्यादा ही है, तो दिखने में अच्छा लग रहा है। और अभी मैं IBW जा रहा हूँ उसको लेके, तो होपफुली ये अच्छा ही हो, कोई प्रॉब्लम ना आए और नॉइस ना करे प्लीज़। ये है मेरी गाड़ी रेडी IBW के लिए। फाइनली नेक्स्ट स्टिकर आने वाला है मेरा यही वाला 2023 का, तो देखते हैं परफॉर्मेंस मैं बाद में बताऊंगा कैसा रहा। तो ये है मेरी फुल गाड़ी बाइक, क्लीन करके रखा है अभी मैंने, तो चलते हैं और बताते हैं आपको यहाँ का फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योरली बताऊँगा। ये भी टायर मेरा चेंज है, इसके बारे में मैं डिटेल देता हूँ। अपोलो का जो टायर है वो 140 है, 150 आता है इसमें। तो कोई भी क्वेश्चन हो टायर के बारे में, क्योंकि मैं दोनों चेंज कर चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके पूछ लेना। ओके, बाय बाय।